हेलो एवरीवन, वेलकम द पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं अविनाश कुमार आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स 2 पढ़ाऊंगा। ये अप्लाइड फिजिक्स 2 हम लोगों को सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। जो सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसको फर्स्ट सेम में पढ़ना है, फर्स्ट सेम सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसको सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर में इसके अलावा जो ब्रांच हो गया, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और एक हो गया कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब ब्रांच हो गया, वो सबको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। देखिए, हम लोग का जो सिलेबस बनाया हुआ है मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस सीएस ईटीसी, मान लीजिए हम लोग जैसे एसबीटी सिलेबस बनाया हुआ है, अल्टरनेट करके बनाया हुआ है। जो सिलेबस है जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया गया है। ग्रुप बी में दो ब्रांच आता है, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और बाकी ग्रुप एक ग्रुप ए में है, उसमें मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वो सब आता है। तो जो ग्रुप बी के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, वो ग्रुप ए के स्टूडेंट को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, और जो ग्रुप ए के स्टूडेंट को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है वही ग्रुप बी के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो अल्टरनेट कर दिया है, दोनों को बांट दिया है। बाकी दोनों अगर दो सेमेस्टर दोनों जो पढ़ लेगा उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोनों का सिलेबस। इसीलिए कभी कभी होता है कि थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच भी चेंज हो जाता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि दोनों सब पढ़ लिया, सब ब्रांच का लड़का दोनों पूरा सिलेबस पढ़ लिया, तो वहाँ से नया स्टार्ट हो जाए, ब्रांच पेपर स्टार्ट हो जाए। सिविल का अपना सिविल वाला स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल वाला स्टार्ट होगा, मैकेनिकल का मैकेनिकल वाला स्टार्ट होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी ब्रांच रहेगा उसका थर्ड सेमेस्टर से अपना पेपर स्टार्ट हो जाता है। बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉमन रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट यूनिट है अप्लाइड फिजिक्स 2 में। फर्स्ट यूनिट है वेव मोशन एंड इट्स अप्लीकेशन। वेव मोशन बचपन देखिए, कुछ कुछ लोग क्या हो गए यहाँ पर कि हिंदी मीडियम से आए हैं। डिप्लोमा में मैक्सिमम बिहार में क्या रहता है कि हिंदी मीडियम से टेंथ तक किया रहता है और उसके बाद फिर डिप्लोमा निकाल लेता है, क्वालिफाई करके आ जाता है। तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ से जितना भी आपका सिलेबस है पूरा इंग्लिश में दिया रहेगा, पढ़ना भी इंग्लिश में है, बुक भी इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है, हम है इसको बढ़िया से बताएंगे, हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, जिसको जितना ज़रूरत होगा। मान लीजिए पूरा जिसको हिंदी में ज़रूरत नहीं है तो उसको क्या बताएंगे, जो ज़रूरत होगा हम बता देंगे, उसका हिंदी में बता देंगे, इंग्लिश में बता देंगे, सब बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट क्या है, वेव मोशन एंड इट्स अप्लीकेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सब स्टूडेंट जो टेंथ पर भी आया होगा, जो ट्वेल्थ पर आया होगा उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, जो टेंथ पर आया होगा उसके लिए दिक्कत होगा। तो जो टेंथ पर आया होगा वो भी पढ़ा होगा, मोशन तो सब पढ़ा होगा, मोशन का हिंदी गति होता है, सब लोग बचपन में से ही पढ़ते आता है, 6, 7, 8 में से, मतलब 6वां 7वां से सब लड़का पढ़ते आता है। ठीक, तो ये सब जानता है कि गति क्या होता है। कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है उसको गति बोलेंगे। ठीक, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है उसको मोशन बोलेंगे, तो उसी को इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। ठीक, वेव, मोशन के पहले क्या लगा हुआ है, वेव लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग गाड़ी बस का वेव नहीं पढ़ेंगे, मोशन नहीं पढ़ेंगे, गाड़ी कैसे चल रहा है, बस कैसे चल रहा है, चाहे कोई भी आदमी कैसे चल रहा है उसका नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसका मोशन के बारे में पढ़ेंगे, वेव मोशन के बारे में। वेव का मोशन क्या होता है, अब कोई पूछेगा कि वेव क्या होता है, कोई क्या, सब पूछेगा क्योंकि सब नया आया हुआ है, तो ये सबसे पहले पूछेगा कि वेव क्या होता है। वेव क्या होता है यही तो पढ़ना है कि वेव होता क्या है, उसका मोशन क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, वही तो पढ़ना है। तो वेव देखिए, वेव क्या होता है कि इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है। हम लोग का जो गाड़ी बस का मोशन होता है, चाहे किसी इंसान का मोशन, जानवर का मोशन होता है, वो दिखाई देता है कि दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन वेव का मोशन दिखाई नहीं देता है। जैसे वायर हो गया, वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मोशन होता है। ठीक, हम देखिए माइक लगाए हुए हैं यहाँ पर, माइक में से वॉइस जाता है आप लोग सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम से रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें से तो कुछ ना कुछ मोशन हो रहा होगा, मेरा वॉइस जो उसमें जा रहा होगा तो इसमें मोशन के थ्रू होने जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो मोशन हो रहा है। तो ये सब का मोशन जो होता है ना दिखाई नहीं देता है, उसी वहीं जो मोशन होता है वेव की, मतलब उसी को वेव बोलते हैं। उसका देखिए एक पढ़ाएंगे उसका जो होता है ना डायग्राम ऐसे बनता है, हम पढ़ाएंगे सब, टेंशन नहीं लेना है, सब पढ़ा देंगे। ठीक, उसी का मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके मोशन के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, और इसके वो जान जाएंगे उसका वेव क्या होता है, उसका मोशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन वेलोसिटी क्या होता है, सब जानेंगे उसका। फिर एप्लीकेशन मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है एप्लीकेशन। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता ही यही है, उस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना, नहीं तो ऐसा तो सब पढ़ लेता है, जो नॉन टेक्निकल भी किया रहेगा,
सिंपल ग्रेजुएशन चाहे इंटर कर रहा है उसको भी मोशन पढ़ना है, वेव पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, सब पढ़ना है। लेकिन डिप्लोमा इंजीनियरिंग में फिर अंतर क्या हुआ? जब सब पढ़ ही लिया, वो भी पढ़ लिया, हम भी पढ़ लिए हैं, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? तो अंतर होता है, अब डिप्लोमा और इंजीनियरिंग और स्टूडेंट का यही एक अंतर होता है, अप्लीकेशन। जो भी चीज़ पढ़ेगा उसका अप्लीकेशन पड़ता है, उसका यूज पड़ता है। यूज क्या है? सबका लैब होता है, सब में कोई कॉलेज करेगा चाहे कॉलेज नहीं भी करेगा। अब अगर मान लीजिए कोई डिप्लोमा पास करके गया इंटर्नशिप करने चाहे ट्रेनिंग करने, उसको सब सिखाया जाएगा कि वेब चलता कैसे है, उसका यूज हम कहाँ करेंगे। अब यूज बताया ना कि जैसे माइक हो गया, करंट करंट के लिए हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गया, वो सब यूज करेंगे। तो उसका अप्लीकेशन पढ़ना है, मतलब उसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक, अब इस समझ गया। इसमें एक और पढ़ना है, जैसे हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें पढ़ना है SHM, उसको बोलते हैं सिंपल सिंपल शॉर्ट समझा रहे हैं। मेन मेन आपका सिलेबस यही है, ये सब ऐसे समझा रहे हैं। सबका सिलेबस PDF दिया हुआ रहेगा, अपना कुछ नहीं करना है, उसको PDF निकलवा लेना है, निकलवा कर अपना रख लेना है। और लाइनिंग वाइज हम सिलेबस वाइज पढ़ाते जाएंगे कि सिलेबस में क्या है, सब जो पढ़ाएंगे उसको टिक लगाते रहना है कि इतना हम पढ़ लिए, और उसको मतलब रिवाइज करते रहना है। सिंपल हार्मोनिक, छोटा छोटा लिख रहे लग रहा है, रुकिए रुकिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, इसमें भी मोशन आ गया, मतलब ये भी मोशन ही है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको शॉर्ट में SHM बोलते हैं। अब कोई 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 SHM बोलेगा तो डरना नहीं है देखकर, क्योंकि हम लोग डिप्लोमा में आ गए ना, अब डरना नहीं है कि SHM क्या होता है। SHM मतलब क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे इसको देखिए समझाते हैं, घड़ी तो सब लोग देखा होगा, एक पेंडुलम, एक घड़ी इस टाइप का आता है, देखिए एक घड़ी हो गया और इसके नीचे रहता है बॉक्स टाइप का रहता है, इसमें गोल ऐसे ढुलते रहता है। ठीक, जैसे जैसे चलेगा ऐसे ढुलते रहेगा, तो ये क्या होता है कि यहाँ से आएगा फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा यहाँ, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चलते रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम में। मतलब उसका टाइम होगा एक सेकंड में चलता है ऐसे, तो एक सेकंड मतलब एक सेकंड यहाँ आएगा, मतलब दो सेकंड लगता है आने जाने में। ठीक, तो क्या होता है कि यहाँ से आया फिर यहाँ रुक गया, फिर यहाँ से आया फिर यहाँ रुक गया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में वो अपना रिपीट कर रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, उसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक। ठीक, उसी उसी के मोशन के बारे में पढ़ना है, इसका मोशन क्या होता है उसके बारे में, इसका डिफिनेशन, एक्सप्रेशन, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, सब बताएंगे। एनर्जी ट्रांसफर, वाइब्रेशन, वाइब्रेट करता है, वो सब भी पढ़ना है। ठीक, तो ये भी हम देखेंगे, ये सब मेन 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 पॉइंट है। एक एक ये हो गया, इसमें तीन 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 चीज़ पढ़ना है इसमें। ठीक, सबसे पहले पढ़ना हम कोई वेव के मोशन के बारे में, फिर उसके बाद सिंपल हार्मोनिक के बारे में, फिर उसके बाद हम आएंगे अकोस्टिक ऑफ बिल्डिंग। इसका जरूरत नहीं है, अगर लिखना होगा तो अपना वीडियो रोक रोक कर लिख लीजिएगा स्टॉप करके। देखिए एप्लीकेशन का क्लास चाहे ऑनलाइन क्लास करने में यही फायदा होता है, क्या होता है कि अगर लाइव क्लास कीजिएगा, चाहे मान लीजिए किसी ट्यूशन में जाकर कोचिंग में जाकर क्लास करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लिख भी, कोई 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 तेज रहता है लिख लेता है, कोई कोई क्या होता है कि मतलब उसका स्पीड कम रहता है। अब देखिए जो टेंथ पर भी करके आया, कोई इंटर पर भी कर गया है, तो टेंथ वाला का तो अब इसलिए स्पीड कम रहेगा क्योंकि ट्वेल्थ वाला एक साल दो साल पढ़ लिया है ना, तो उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, दो साल सीनियर हो गया ना, तो क्या होता है टेंथ वाला मार खा जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास करने में फ़ायदा है आपको कि अब हम बढ़ा दिए, रिकॉर्डिंग हो गया, अपलोड हो गया, तो क्या होगा कि आप रोक कर जो जो पॉइंट लिखें उसको लिख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या, अगर सर लिख दिए मिटा दिए तो खत्म, नहीं लिख पाए। ठीक, तो यहाँ पर ये फायदा है। और एक और फायदा है कि क्या होता है कि किसी किसी का मतलब दिमाग तेज होता है, चाहे स्पीड उसको पढ़ने का जल्दी जल्दी पढ़ने का मतलब आदत है। जैसे कोई को तेज रहता है, जो अब पूरा क्लास में बैठे रहिएगा तो सर क्या करेंगे कि सबको साथ में लेकर चलना है ना, जो कमजोर स्टूडेंट है, जो तेज स्टूडेंट है, सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो तेज स्टूडेंट रहेगा उसको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना स्पीड फास्ट कर सकता है, क्योंकि लगेगा कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो स्पीड फास्ट कर दिए। जो जो मान लीजिए जो स्टूडेंट को लग रहा है कि सर क्या कर रहे हैं, अरे बहुत बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, तो वो स्पीड स्लो कर लेगा। तो यही फायदा है, तो ऑनलाइन क्लास करने में सब फायदा है। और एक सबसे मोस्ट सबसे बहुत बढ़िया फायदा कि कहीं जाना नहीं है, आराम से घर में बैठे रहिए, ठंडा का मौसम आ गया, कहीं भी पढ़ के कंबल में पैर करके अपना आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब फायदा है ऑनलाइन क्लास का, हम भी ऑनलाइन ही क्लास करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। ठीक हो गया, फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखिए सेकेंड यूनिट के बारे में आते हैं। सेकेंड यूनिट क्या है? ऑप्टिक्स।
देखिए ऑप्टिक्स भी 12th वाला पढ़ लिया होगा, 10th वाला भी पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा। मान लीजिए इसमें देखिए मेनली इसमें क्या है कि लाइट के बारे में पढ़ना है, जो लाइट क्या होता है, लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट किधर से आता है, किधर जाता है, आखिर यहाँ से लाइट जल रहा है तो क्यों चारों तरफ रोशनी हो जाता है वो भी जानना है। फिर आईना होता है, आईना में चेहरा देखते हैं हम लोग का चेहरा क्यों दिखा देता है ये भी जानना है। ठीक, एक हम लोग का जो जो आईना होता है उसका उसमें चेहरा देखिए, और एक गाड़ी बाइक होता है बाइक का आईना में चेहरा देखिए, दोनों में क्या होगा अंतर हो जाता है, क्यों अंतर होता है ये भी देखेंगे। उसमें कौन सा शीशा यूज होगा, इसमें कौन सा आईना यूज होगा, इसको क्या बोलते हैं, आईना जो होता है उसको मिरर बोलते हैं, मिरर। ठीक, मिरर होता है, मिरर के बारे में पढ़ना है। ठीक, मिरर का टाइप्स पढ़ना है, मिरर मेनली 3 टाइप्स का होता है वो सब बताएंगे, मिरर के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मिरर, उसका प्रॉपर्टीज, उसका फॉर्मूला, उसका लॉ, सब रूल जितना होता है सब पढ़ना है। ठीक, मिरर हिंदी वाला प्रॉब्लम हो रहा है, मिरर मतलब दर्पण होता है हिंदी में। ठीक, सबका हम हिंदी बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, दर्पण होता है। ठीक, एक पढ़ना है लेंस है, लेंस होता है। ठीक, लेंस भी पढ़ना है। अब देखिए मिरर और लेंस क्या होता है कि मिरर में क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, मतलब अगर मान लीजिए मिरर हो गया आपका, इधर से लाइट आएगा तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर इधर आ जाएगा चाहे इधर आ जाएगा, कहीं चला जाएगा। लेकिन लेंस में क्या होता है, लेंस से रिफ्लेक्ट नहीं करता, मतलब इधर से रिफ्लेक्ट, इधर से लाइट आएगा ना तो अंदर चला जाएगा। ठीक, लेंस होता है। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में मेनली पढ़ना है कि मतलब उसका रूल्स सब क्या होता है वो सब पढ़ना है। ठीक, अब देखिए थर्ड में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वाला अच्छा चैप्टर है, ये सब तो सब लोग पढ़ लेगा, ऑप्टिक्स तो सब लोग पढ़ लेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबको दिक्कत होगा, लेकिन हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इसमें भी देखिए कोई भी अगर आपको चैप्टर दिया रहता है उसको पहले तोड़कर समझना चाहिए क्या होता है। देखिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इसको शायद स्थिर वैद्युतिकी बोला जाता है, देख लीजिएगा हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक, समझा देंगे हम जब स्टार्ट करेंगे तो। ठीक, तो देख लीजिए इससे यहां से समझिए, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, यही है इलेक्ट्रो, सब जानता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रो होता है उसका अटैक से, उसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी इमोशन आ गया, उसका मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है क्या होता है। ठीक, तो उसमें भी घबराना नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए कूलम्ब लॉ हो गया, कूलम्ब लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक यही सब पढ़ना है मेनली। हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हम एक और बात समझा रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इसका मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना। ये सब जो रूल होता है, लॉ नियम होता है, जो कूलम्ब्स जी नियम दिए थे वो भी मतलब उसी के बेसिस पर है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है। ठीक, उसका उसी के सब बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे फील्ड क्या हो गया कि कोई भी वायर से करेंट पास कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ इसका इलेक्ट्रिक माल पास हो रहा है तो क्या होगा, इसका कुछ फील्ड बनेगा, तो उसके फील्ड, उस फील्ड के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स भी पढ़ाएंगे, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, यही सब मेनली पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट यूनिट क्या है, नेक्स्ट यूनिट है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी होता है एक, करेंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उस सब उसमें सब पढ़ लेंगे, लेकिन करेंट के बारे में जो पढ़ेंगे ना उसको करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक, करेंट तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, करेंट होता है जो उसको हिंदी में धारा बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक, धारा 10th वाला भी पढ़ा होगा धारा क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट मतलब वैद्युत धारा होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत होता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसमें भी नियम है उसको, उस सब भी पढ़ना है, उसका नियम रूल सब सब जानना है। ठीक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, अब देखिए ये भी चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है। देखिए जो 12th किया होगा ना वो सब पढ़ लिया होगा, जो 12th करके आया होगा वो पूरा पढ़ लिया होगा, उसको सब पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब इलेक्ट्रिक से मैग्नेट, इसमें मैग्नेट आ गया, देखिए मैग्नेट हो गया मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रो। ठीक, तो इसमें मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, जैसे क्या होता है कि कोई भी वायर से करेंट पास होता है तो क्या होता है उसके चारों तरफ एक एरिया बन जाता है, वो एरिया मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, तो उसको उसी को स्टडी इसमें करना है। ठीक, तो क्यों उसमें काम करते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मतलब वो भी वही क्या करते हैं,
खींचते हैं, इसलिए वो मैग्नेट की तरह काम करता है। तो उसके बारे में इसमें उसमें उस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, सिक्स यूनिट आ गया आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर तो सब जानता है, कंडक्टर मतलब क्या होता है, चालक होता है। ठीक, कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, अर्थ चालक होता है, फिर अर्थ सेमी मतलब सेमी लगे तो क्या आधा, मतलब आधा चालक मतलब अर्ध चालक, इसका हिंदी में बोलते हैं अर्ध अर्ध चालक। फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अर्ध चालक फिजिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, उसका सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन पढ़ना है, उसके उसका अप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग, कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है वो सब पढ़ेंगे, उसका मेनली किस किस फील्ड में उसका यूज होगा। ऐसा थोड़ा है कि हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि फर्स्ट सेकंड कंबाइंड है, सबको पढ़ना है, तो सबको इसी सबको सब चीज़ यूज थोड़े होगा आगे से, सबका क्या क्या किसको क्या यूज है वो थर्ड सेमेस्टर के बाद में डिसाइड होगा किस किसका यूज हो रहा है। ठीक, तो इसका भी कहीं ना कहीं सब में यूज होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन इसका यूज कहाँ है, किस ब्रांच से रिलेटेड है, उसको सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, सेवेंथ यूनिट में हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, आधुनिक फिजिक्स मतलब जानते हैं सब लोग, मतलब अब फिजिक्स पहले वाला फिजिक्स दूसरा था, अब आधुनिक में क्या क्या फिजिक्स आया उसके बारे में पढ़ना है, जैसे लेसर हो गया, लेसर लाइन हो गया, अब साइंस इतना बढ़ गया है कि नया नया आविष्कार हो रहा है, पूरा सब फिजिक्स पर टिका हुआ ही है, बिना फिजिक्स से कुछ चलेगा थोड़ी। जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है, एक्सरे का यूज होता है, एक्सरे लाइन, अब एक्सरे के द्वारा पता चल रहा है कि कहाँ आपका कौन हड्डी कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है पता चल रहा है। सीटी स्कैन है, उसमें भी फिजिक्स का यूज होता है, सीटी स्कैन मशीन होता है, पूरा आपका बॉडी स्कैन कर लेगा कि बॉडी के अंदर क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, सब स्कैन कर लेता है, तो वो सब भी फिजिक्स पर आधारित है, तो वो सब फिजिक्स के बारे में इसमें पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस था, अब सिलेबस यहाँ से हम लोग समाप्त होता है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, इसमें देखिए तब हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले क्या जानना है, कुछ कुछ टर्म्स जानना है, आप लोगों का सिलेबस जो दिया हुआ है डायरेक्ट ऊपर से दे दिया है, तो सबसे पहले नीचे का जानना जरूरी है ना, बेसिक जान लेंगे तभी ना पढ़ेंगे समझ में आएगा। आप वेव मोशन के बारे में पढ़ लें लेकिन मोशन होता क्या वो जानेंगे नहीं, पता ही नहीं रहेगा कि मोशन क्या होता है, अब वेव मोशन पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म हम लोग जान जाते हैं, पता कर लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को जानना जरूरी है, फिजिक्स होता क्या है, तो फिजिक्स क्या होता है, लिखा हुआ है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, जैसे लॉ मतलब नियम होता है, कि फिजिक्स क्या होता है कि नेचर का स्टडी एंड उसका लॉ का स्टडी, नियम का स्टडी को क्या कहते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। जैसे क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नेचर में जो जो अवेलेबल है ठीक उसका हम स्टडी करेंगे, जैसे लाइट हो गया, लाइट का स्टडी करेंगे उसको फिजिक्स बोलेंगे, वेव का स्टडी करेंगे उसको फिजिक्स बोलेंगे, इस सब को स्टडी करेंगे। इसके अलावा और भी हो गया, जैसे गाड़ी चल रहा है, गाड़ी का स्पीड का स्टडी करेंगे उसको भी मोशन बोलेंगे, मतलब उसको भी फिजिक्स बोलेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये सब को फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, सेकेंड में आता है मोशन। मोशन क्या होता है, तो इफ द एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजिशन With change the time, then those body or object called in motion। ठीक है, कोई भी body है अपना position change कर रहा है, अब मान लीजिए कोई body यहाँ पर है और कुछ देर के बाद में यहाँ पर चल गया, तो यहाँ से यहाँ position अपना change कर लिया, ये point है ये B point है, तो जब A point से B point पर गया होगा तो कुछ हुआ होगा, तो इसी को A point से जो B point तक गया इसी को speed कुछ speed से गया इसी को क्या बोलते हैं, motion बोलते हैं। ठीक, तो वही बोल रहा है कि चेंज द पोजीशन वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज नोन एज मोशन, या इसको और कुछ बोल सकते, जैसे मोमेंट ऑफ बॉडी, मतलब क्या होता है मोमेंट ऑफ बॉडी, मतलब ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मोमेंट, मतलब बॉडी का मोमेंट हो रहा है चाहे ऑब्जेक्ट का मोमेंट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड में हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस सब जानता है, इसको हिंदी में दूरी बोलते हैं। दूरी क्या होता है, दूरी मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाना उसको दूरी बोलते हैं, तो मतलब टोटल कवर पाथ, कोई भी बॉडी के द्वारा पाथ कवर किया जाएगा एक जगह से दूसरे जगह जाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, नोन एज डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, डिस्टेंस ऐसे हो गया, ठीक डिस्टेंस हो गया, ठीक स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसका केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस कहीं से भी होता है। अब ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि इधर से इतना दूरी है उधर से उतना दूरी है, दूरी एक ही होता है। ठीक है, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं।
सेकंड हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब देखिए दोनों सेम ही होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होता है, दोनों डिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे मिनिमम दूरी। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, इसके अब ए से बी तक जाना है तो बहुत सारा रोड होगा, बहुत सारा रास्ता होगा, तो क्या करेंगे कि आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, चाहे ऐसे घूम घूम गए, ऐसे भी बी पर जा सकते हैं, ठीक। लेकिन इस दोनों के बीच का मिनिमम दूरी क्या होगा? यहाँ से स्ट्रेट लाइन होगा, ये सबसे मिनिमम दूरी होगा, तो इसी मिनिमम दूरी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका डायरेक्शन होता है, इधर से इधर जाना है, ठीक। समझ में आ गया? अब कोई भी अपना कोई किसी को कहीं पहुंचना है, चाहे मान लीजिए अपना घर से मार्केट किस तक जाना है, तो मार्केट में जाने के लिए बहुत सारा रास्ता होगा, तो किस रास्ता से जा रहा है उस सबको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? सबसे मिनिमम जो रास्ता होगा, तीसरा रास्ता, उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है, जिसमें डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी का है प्रॉपर्टीज। स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है? इसका डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। और वेक्टर्स लॉ एक और होता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, वेक्टर्स लॉ का फॉलो नहीं करता है, ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करता है, ठीक। ये सब भी होता है, ये सब हम लोग को जानना नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये जानना है। स्पीड देखिए, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है कि डिस्टेंस कवर्ड मतलब बाई एनी ऑब्जेक्ट, ठीक। अब कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी बॉडी, एक घंटा में कितना जा रहा है, दो घंटा में कितना जा रहा है, दस मिनट में कितना जा रहा है, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी के रेट को बोलते हैं स्पीड, ठीक ना। द डिस्टेंस कवर बाई एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। इसको लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू लिख लीजिएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है स्पीड का, ठीक। एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है, यह भी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक। यूनिट से क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है या किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। सिक्स नंबर में हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब हम इससे पहले क्या देखे थे? स्पीड देखे थे। तो क्या था कि स्पीड में क्या था? डिस्टेंस था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या था? डिस्टेंस था। इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें क्या करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या होता है? वेलोसिटी होता है, मतलब कितना टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रहा है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक। इसका भी यूनिट सेम होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्पीड का भी क्या था? मीटर पर सेकंड था, और इसका किलोमीटर पर सेकंड दोनों था, इसका भी सेम है। इसका फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक। थैंक यू।